भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में कोरोना के 22,752 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 482 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में कुल कोरोना केसों की संख्या 7,42,717 हो गई है। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 20,642 हो गई है। फिलहाल कोरोना वायरस के 2,64,944 केस एक्टिव हैं, वहीं 4,56,831 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। ICMR के डेटा के मुताबिक अब तक 1,04,73,771 COVID-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से मंगलवार को 2,62,679 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में COVID-19 मरीजों की संख्या के मामले में भारत रूस को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में कोरोना मामलों की संख्या 7,00,000 से ज्यादा हो गई है, लेकिन भारत प्रति 10,00,000 जनसंख्या में COVID-19 के रोगियों की सबसे कम संख्या वाले देश में से एक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति 10,00,000 की जनसंख्या पर लगभग 505 कोरोना के मरीज हैं, जबकि वैश्विक औसत 1,493 है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या प्रति 10,00,000 पर 14 है, जबकि वैश्विक औसत इससे 4 गुना अधिक है।